हेलो बल प्यारे बच्चों बच्चों, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आगे बढ़कर रेंसिडिटी, क्रोजन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक इन चार टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, हिंदी में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ा था और उसको काफी अच्छे से डिटेल में हमने समझा और उसके रिलेटेड मैंने होमवर्क दिया। काफी बच्चों ने मुझे होमवर्क सेंड किया और मैंने देखा कि वो बच्चों ने काफी अच्छे ढंग से उसको रिप्रेजेंट किया, तो मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूं और उनको अप्रिसिएशन देता हूं कि उन बच्चों ने अपना काम बहुत अच्छे से और ईमानदारी से किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इसी तरीके से ईमानदारी के साथ धीरे धीरे सीखते रहिए, ठीक है? समय देते रहिए। 1 से 2 महीने के अंदर आपको अपने अंदर एक ऐसी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, आप खुद कहेंगे कि हाँ जी सर, हम तैयार हैं 10th क्लास में 100 नंबर लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सबसे पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्यारे बच्चों, हिंदी में इसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अच्छा बच्चों, मैं इसके बारे में अगर आपसे बात करूं तो मैं क्या बताना चाहूंगा। देखो, एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ, ठीक है? और थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पे लिखा है एक्सोथर्मिक, तो इस एक्सो का मतलब तो क्या हो गया कि कोई चीज आउटसाइड, कोई बाहर की तरफ कोई चीज जा रही है। और थर्मिक का मतलब यहां पे क्या हो गया भाई? हीट हो गया, थर्मल हो गया। कोई हीट जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हिंदी में ऊष्मा, ऊष्मा मतलब आप समझ सकते हो भाई, क्या जो भी हीट वगैरह, जो भी गर्माहट है, ठीक है? गर्माहट बोल सकते हो आप, गर्माहट, ठीक है? और छेपी, छेपी का मतलब होता है निकलना। क्या होता है? निकलना। किस प्रकार से भाई? गर्माहट का निकलना मतलब क्या? जैसे आप लोग खाना बनाते हो तो क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे। जब आप लोग खाना बनाते हो तो क्या होता है भाई? उसका पतीला गर्म होता है, उसके पतीले के आसपास भी हाथ रखते हो तो उसमें से भाई हीट निकल रही होती है। किसी व्यक्ति को फीवर हो रहा है, आप उसके आसपास भी रहते हो, आप उसको टच करते हो तो बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है। रीजन? क्योंकि उसकी बॉडी में से क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। तो वो सारी चीजें क्या होंगी? ऊष्मा छेपी। आप अपने नाक के नीचे से हाथ लगाओ और सांस छोड़ो तो आपको वो सांस कैसी लगेगी? गर्म लगेगी। जबकि आप अगर एसी के सामने या किसी भी आप कमरे से बाहर जाके सांस लो, आपको सांस ठंडी लगेगी, लेकिन आप जब छोड़ोगे तो वो उसके मुकाबले थोड़ी गर्म होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों, आप इन सारे प्रोसेस में ये देख रहे हो कि आप लोग क्या कर रहे हो, एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कर रहे हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हो। मीन्स कि जब हम लोगों ने कोई काम किया, ठीक है, हीट से रिलेटेड, तो उसमें हीट बाहर निकलना शुरू हुई। क्या हुई? हीट बाहर निकलना शुरू हुई। तो जब भी किसी रिएक्शन के दौरान हीट बाहर निकलने लग जाए, ठीक है, बाहर की तरफ रिमूव होने लग जाए, हीट निकलती हुई दिखाई दे कि हाँ जी हीट इसमें से निकल रही है, तो वो सारी चीजें क्या होंगी भाई? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जैसे एक सबसे फेमस रिएक्शन तो आपको पता ही है कि अगर कार्बन को जलाया जाए तो क्या होता है, क्या बनता है? वो CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2। तो बच्चों ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, जब तक कार्बन पड़ा हुआ है उसमें से हीट थोड़ी निकल रही है। कोयला है, चलो एक काम करते हैं, कोयला ले लेते हैं। कोयला ले लिया हमने, अच्छा कोयला जब तक पड़ा हुआ है क्या उसमें से कोई हीट निकल रही है? नहीं। लेकिन जब उसको जलाते हैं तो देखते हो उसकी हीट काफी दूर तक हमें पता चलती है। मतलब अगर इतना सा कोयला जला दो, ठीक है, आप ठंड के दिनों में कोयला जलाते हो तो ऐसा थोड़ी हो कोयले के अंदर हाथ रख के तापते हो आप, नहीं। आप क्या करते हो, कोयला वहां पड़ा है, आप यहां से भी ऐसे करते हो तो आपको हीट फील हो रही होती है। तो रीजन क्या है बच्चों उसका? क्योंकि उसमें से जो हीट निकल रही है वो क्या प्रोसेस बता रही है? वो प्रोसेस बता रही है एक्सोथर्मिक, मतलब हीट को क्या कर रही है? बाहर निकाल रही है। हीट को क्या कर रही है? बाहर निकाल रही है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर पागल हो गए, कि भाई जब भी कोई चीज जलेगी तो यार हीट ही निकालेगी,
हीट सोख थोड़ी लेगी। तो बच्चों हीट सोखने का भी प्रोसेस बताऊंगा और हीट निकलने का भी प्रोसेस बताऊंगा, तो दोनों चल रहे हैं। तो अभी पहले हीट निकलने का देखो कि ठीक, जैसे कार्बन की किसी भी चीज को जलाया तो उसमें से क्या निकला, सीओ टू, और सीओ टू के साथ साथ क्या निकलती है, हीट भी निकलती है। ठीक है, तो यहां पे आप प्लस में क्या लिख लेंगे, हीट। हिंदी वाले क्या लिख लेंगे, ऊष्मा। ठीक है, एक रिएक्शन और देखते हैं। जैसे आपके घरों में भाई जो सिलेंडर आता है, आपके घरों में जो सिलेंडर आता है, ठीक है, यानी एलपीजी या जो आप लोग गाड़ियों में डलवाते हो सीएनजी, उसमें बच्चों एक चीज होती है मिथेन, एक चीज होती है मिथेन, CH4, इसे कहा जाता है मिथेन। क्या कहा जाता है, मिथेन। इसको प्यारे बच्चों हमने जलाया, इसको हमने क्या किया, जलाया। अब जैसे ही जलाओगे ना, जैसे ही जलाओगे तो हमेशा क्या होता है, इसमें से कार्बन की जब भी किसी चीज को जलाओगे तो सीओ टू तो निकलना ही निकलना है, फिक्स है। कार्बन की चीज को जब भी आप जलाओगे तो सीओ टू फिक्स है कि निकलना ही निकलना है। और साथ ही कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी दिखाई दे रहा है तो वाटर भी निकलेगा, तो वाटर भी निकलेगा। इसलिए वो जो आपका एलपीजी वगैरह होता है ना, आप जैसे कभी उसको हिलाना देखना, उसमें वाटर जैसा फील होता है क्योंकि वो कंप्रेस करके डाली जाती है। ठीक है, तो अपने हाइड्रोजन की वजह से उसमें से वाटर भी निकलेगा, और वाटर के साथ साथ, और भाई एक बात बताओ, जब आप लोग एलपीजी सिलेंडर वगैरह अपने घर में जो आप लोग आग जलाते हैं तो क्या उस आग में से हीट नहीं निकलती, बहुत ज्यादा निकलती है। तो साथ ही साथ और क्या निकलेगी भाई, हीट निकलेगी। मतलब जब हम लोग अपने घरों में मिथेन को, एलपीजी सीएनजी को जलाते हैं तो जलाने की वजह से सीओ टू निकलता है, वाटर लेवल निकलता है, और साथ ही साथ क्या निकलती है, हीट। इसलिए आप देखते हो कि दिल्ली में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, तो गाड़ियां चलने की वजह से उनके अंदर भाई फ्यूल तो होता ही है, उसमें से सीओ टू निकलता है, और सीओ टू निकलने की वजह से एटमोसफेयर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसलिए दिल्ली के अंदर इतनी गर्मी पड़ती है। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, बाकी मेन अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर ज्यादा गर्मी पड़ने का रीजन क्या है कि फ्यूल का जलना और उसमें से क्या निकलना, सीओ टू, और जब सीओ टू निकलेगा तो उसमें से क्या निकलेगी, हीट। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें छेपी अभिक्रिया है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अच्छा, एक बात और, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये बताया कि भाई अगर आप अपने नाक के नीचे ऐसे उंगली लगाएंगे तो आपको अपनी सांस थोड़ी गर्म फील होगी, अपनी सांस थोड़ी गर्म फील होगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप जो सांस छोड़ रहे हैं वो भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ब्रीदिंग, क्या श्वसन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो आप आंसर देंगे हाँ जी बिल्कुल है। इसका रीजन क्या है जी, रीजन बताओ। तो चलिए रीजन बताते हैं। अब मुझे एक बात बताना बच्चों, आप सभी खाना खाते हैं, जब आप वो खाना खाते हैं ना, तो आपको मैं ये बता दूं, बेसिक फॉर्म के अंदर आप लोग ग्लूकोज लेते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट, चाहे आप रोटी खा लो, चावल खा लो, पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, ठीक है, रोल खा लो, ये जितनी भी चीजें खाते हो ना बच्चों, आप उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी हद तक लेते हो। और जब कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाता है तो वो ग्लूकोज बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है? ग्लूकोज। आप खाओ कुछ भी, लेकिन बॉडी के अंदर जब आप लेके जाओगे तो आप वो कार्बोहाइड्रेट ही बनाओगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहने लगेंगे भैया आइसक्रीम खा ले तो क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे, अगर आइसक्रीम खा लोगे तब भी वही बनने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आइसक्रीम खाओगे तो उसमें शुगर होगा, और शुगर क्या बनाएगा आपके लिए? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है? ग्लूकोज में। तो काफी सारी ऐसी चीज है। अब ये मत बोलना कि भाई हम सिर्फ मिर्च मिर्च खा लें तो क्या बनेगा? तो मिर्च तो आप खा ही नहीं सकते, अगर 1 किलो मिर्च ला के दे दे तो खा नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम फूड की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि कोई बच्चा नींबू नींबू ही चाट ले है भाई, तो इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे किसी बच्चे ने खाना खाया, अब खाना खाया तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का। अब बच्चों जब आपने बॉडी में ग्लूकोज बना लिया है, अब आप सांस लेंगे, और सांस लेने के दौरान आप किसको बॉडी के अंदर लेके जाते हैं? O2 को, ऑक्सीजन को। और जब आप ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाएंगे तो वो ग्लूकोज क्या होगा? हीटअप होगा, हीटअप होगा। अब हीट करने लगेगा तो भाई क्या होगा, बॉडी से बाहर बनने की कोशिश करेगा। अब ध्यान से देखिएगा,
ध्यान से देखिएगा बच्चों, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सीओ टू तो बनेगा ही बनेगा, हाँ कि ना? सही बात है। अब आपने सांस छोड़ी, आपकी सांस में क्या है? सीओ टू, ठीक है। दूसरा, वाटर होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इस वजह से वाटर भी निकलेगा, क्योंकि जब आप लोग सांस छोड़ते हो तो उसमें थोड़ी सी नमी होती है। और प्लस जब आप अपनी सांस में क्या छोड़ रहे हो? सीओ टू, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी क्या होगी भाई? हीट होगी। ये अभी हमने कहाँ पढ़ा? ये अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। तो बच्चों, जब आपकी बॉडी में भी फ्यूल की जगह कार्बन वाली ही चीज जा रही है, देखो कार में आप ये डाल रहे हो, अपनी बॉडी में आप ये डाल रहे हो, क्यों? क्योंकि दोनों को भाई चलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। इसका फूड क्या है? मीथेन। हमारा फूड कौन है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बाद हमने क्या लिया? ऑक्सीजन, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए जरूरी है। जब ऑक्सीजन लेंगे तो ये हीटअप होगा, हीटअप होने की वजह से भाई क्या निकलेगा? सीओ टू। सीओ टू है और अब हाइड्रोजन है, तो इसलिए वाटर लेवल भी निकलेगा। और आपको तो पता है, जब सीओ टू निकलेगा तो हीट तो प्रोड्यूस होएगी ही होएगी। इसलिए ब्रीदिंग जो होता है, श्वसन जो होता है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। समझ में आया प्यारे बच्चों? क्लियर हो रहा है? अच्छे समझ में आया ना? अब जल्दी से इसे नोट कर लो, और एक काम आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, इसे बैलेंस करने का, तो इसे जल्दी से बैलेंस कीजिए, ठीक है, और नोट कीजिए, ठीक। फिर इसके लिए आप लोग एक काम करना, यहां पे ना इसके लिए कितने तकरीबन, इसको पूरा, इस पूरे को नोट कर लीजिए, उसके बाद 10 लाइनें छोड़िएगा, ठीक है। 10 लाइनें छोड़िएगा, 10 लाइनों के बाद में फिर, यानी ये पूरा नेक्स्ट का, फिर आगे बढ़ेंगे हम, फिर एंडोथर्मिक पे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एंडोथर्मिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला है एंडोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होगी? जिस तरीके से एक्सो में क्या था, मतलब बाहर की तरफ निकलना, तो एंडो में क्या होगा? इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है। और थर्मिक का मतलब क्या बताया मैंने? हीट, यानी जो हीट को अपनी तरफ सोखे, वो बाहर ना निकाले, अंदर सोख ले, समझ रहे हो? हीट को अब तक हम क्या देख रहे थे कि बाहर निकल रहा है, अब हीट बाहर नहीं निकलेगा, अब हीट अंदर की तरफ सोखा जाएगा। ऊष्मा का मतलब हो गया आपका क्या भाई? गर्माहट, गर्माहट। और शोषी का मतलब क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या कि अवशोषण, अवशोषण, ठीक है जी, कि गर्माहट को अपने अंदर सोख लिया, अपने अंदर क्या कर लिया भाई? एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूं, N2 प्लस O2 बनता है NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है ये? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम नाम है, ठीक है। तो N2 प्लस में O2 बन गया क्या बच्चों? NO, मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब इसमें होगा पता है क्या? ये जब जब इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाया जाएगा तो बहुत ज्यादा गर्म होगा, लेकिन ये गर्म ना धीरे धीरे, जैसे 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 एनओ बनने लगेगा, वो गर्माहट अपने अंदर सोख लेगा, गर्माहट को क्या कर लेगा? अपने अंदर सोख लेगा, ठीक है। मतलब आसपास में उसकी हीट का पता नहीं चलेगा, लेकिन जब उसको छुओगे तो क्या होगा भाई? बहुत ज्यादा गर्म होगा। क्या होगा? बहुत ज्यादा, मतलब अपने अंदर गर्माहट को क्या कर लेता है? सोख लेता है, जबकि आसपास के एरिया को नॉर्मल ही रहने देता है। जबकि अब तक क्या हो रहा था कि भाई वो खुद ठंडा होने के लिए हीट को बाहर फेंक रहा था, लेकिन अब ये क्या करेगा? आसपास का एरिया तो ठंडा जैसा नॉर्मल है वैसे रहेगा, बाकी सारी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जैसे एक और देखो, एक और दिखा तो मैं एग्जाम्पल आपको, जैसे आप इसको तो जानते हो, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, याद आया? याद आ गया सभी को? अच्छा, अब इसे क्या करो, आप इसे ना हीट करो,
आप इसे क्या करो, हीट करो, मतलब इसे गर्म करना शुरू करो। तो जब आप इसे गर्म करोगे तो पता है क्या होगा, ये टूटना शुरू हो जाएगा। किस में टूटेगा, CaO प्लस में CO2। जब आप इसको खूब हीट करोगे, हीट गर्म करते रहो करते रहो करते रहो, तो होगा क्या, जैसे ही आप इसको गर्म करने लगोगे तो अपने आप क्या देखोगे कि इसमें से ना CO2 निकलना शुरू हो गया। ठीक है, अब CO2 निकलेगा, अब CaO बनेगा। अच्छा, अब बच्चों आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जब CO2 निकलेगा तो वहां पे तो हीट प्रोड्यूस होगी, और आप यहां पे अब उल्टी बात बता रहे हो कि भाई ऐसे हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को ध्यान से समझिए, ये निकलेगा जरूर, ये बाहर निकलेगा जरूर, लेकिन ये CaO जो है ना, ये CaO इसको तुरंत नेग्लिजिबल कर देता है। इसको तुरंत क्या कर देगा, नेग्लिजिबल कर देगा, क्योंकि CO2 अच्छा रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, इसके साथ, लेकिन इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसको क्या कर देता है, वो रिएक्शन लेस कर देता है। ठीक है, इस वजह से ये हीट को बाहर क्या नहीं कर पाता, निकाल नहीं पाता। तो बचा कौन, CaO। तो CaO क्या करता है, उस सारे CO2 की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये CO2 की हीट को क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है CaO, जिसकी वजह से क्या होता है कि चूना, अगर आपने देखा होगा कि चूने को अगर भाई आप उसमें डाल दो किसी पतीले में या किसी में भी, देखना कभी सफेदी होते हुए, और उसमें जब पानी वगैरह कुछ भी डाला हो, तो आप पता है उसके बाहर आपको इतना फील नहीं होगा कि ये भाई गर्म है, लेकिन अगर आपने उस चूने के अंदर हाथ डाल दिया तो आपकी उंगली जल सकती है, हाथ जल सकता है। क्यों, क्योंकि जो ये CaO होता है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब इसमें से CO2 निकल तो जरूर रहा है, लेकिन ये CO2 ना बिना हीट वाला है। क्यों, क्योंकि CaO ने CO2 की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। हीट को क्या कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और ठंडी CO2 को बाहर भेज दिया, कह रहा भाई तू जा। ठीक है, अब तक तो ये क्या करता था, हीट को साथ में लेके जाता था, लेकिन अब कौन मिल गया इसको, CaO। और ये बड़ा खतरनाक बंदा है, इसने क्या कर लिया, इसे मार मूर के भाई क्या कर लिया, CO, इससे हीट को छीन लिया। और जब हीट को छीन लिया तो ये बेचारा भाई रोते रोते अपनी मम्मी के पास चला गया कि हाँ भाई CaO ने मेरे से मेरी क्या हीट छीन ली, और ये अपना बाहर निकल गया। समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये हीट होके टूटता है और क्या प्रोसेस बनाता है, एंडोथर्मिक। ठीक है, अच्छा अब एक बात और करना चाहूंगा आपसे कि बच्चों, जिस प्रकार हम लोगों ने सांस लेते वक्त, ब्रीदिंग करते वक्त, श्वसन करते वक्त यहां टच करते हैं तो कैसा फील होता है, हीट फील होता है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक बोले तो क्या, जल्दी बोलो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। लेकिन बच्चों, प्लांट की बात अगर हम करें, पेड़ पौधों की बात अगर हम करें, तो बच्चों पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। तो कैसे, तो जरिए इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूं कि हम लोग हीट क्यों एब्जॉर्ब करते हैं और वो सभी हीट क्यों रिलीज करते हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया, हम लोगों ने हीट रिलीज करते हैं और पेड़ पौधे हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तो जरा फटाफट इसको नोट कीजिए, ठीक है, कर लिया होगा नोट वीडियो पॉज करके। चलिए अब शुरू करते हैं आगे, अब ध्यान से देखना बच्चों जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, हाँ अच्छा बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको अपने बारे में, जो हम लोगों ने जो हम इंसान जो करते हैं वो क्या करते हैं जरा बताओ। हाँ भाई, हम लोग खाना खाते हैं, ये बनता है, फिर हम लोग सांस लेते हैं, फिर जब सांस लेंगे तो CO2 भी बनेगा, H2O भी बनेगा, और प्लस में हीट निकलेगी। यही बात है ना, यही सीखा था हमने, ये हम इंसानों का। अब हम एंडोथर्मिक का प्रोसेस पढ़ते हैं, प्लांट में क्या होता है। अच्छा बच्चों, प्लांट क्या क्या करता है देखो, जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसे सांस लेने के लिए क्या चाहिए, CO2। अच्छा, और क्या करता है बच्चों, आपने फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है ना सभी बच्चों ने, तो बच्चों प्लांट और क्या करता है, अपने जड़ों से वाटर ले लेता है, और क्या करता है, पत्तों से सनलाइट ले लेता है। ठीक है, अब ये कहोगे ये कैसा, ये क्या है, पत्तों से सनलाइट ले लेता है, तो भाई सनलाइट तो सन से ही मिलेगी, लेकिन पत्ते क्या करते हैं, काम तो उसके लिए
लीफ ही करते हैं, पत्ते ही करते हैं, है ना, बाकी सनलाइट तो सन से ही मिलेगी, ठीक है। और पत्तों में का क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब देखो प्लांट को क्या क्या मिला, CO2 मिला, और क्या मिला, H2O, और क्या मिला, सनलाइट, और क्या मिला, क्लोरोफिल। ये सारी चीजें जब उसको मिल गई तो आपको अच्छे से पता है प्लांट में पत्ते, प्लांट में पत्ते जो होते हैं, लीफ जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो खाना बनाते हैं। और खाना किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। किसके फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। और ग्लूकोज के फॉर्म के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 देते हैं, उसी तरीके से ये क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और बदले में हमें क्या कहते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों की पेड़ लगाइए। क्यों? क्योंकि पेड़ जब आप लगाएंगे तो आप इतना सारा CO2 छोड़ते हैं, तभी तो वो CO2 लेके बदले में क्या देगा, O2 देगा। और अगर हम लोगों का संतुलन बराबर नहीं रहा तो होगा क्या, हम लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, CO2 ज्यादा हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी। लेकिन अगर हम साथ ही साथ पेड़ भी लगाते रहे तो क्या होगा बच्चों, बच्चों फिर हम बैलेंस रहेंगे, जितना हम CO2 छोड़ रहे हैं उतना बदले में हमें O2 भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्लांट जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं वो कौन सा प्रोसेस करते हैं, एंडोथर्मिक। तो मतलब समझ जाओ कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस हिंदी में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण जो होता है वो एक एंडोथर्मिक अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग O2 लेके CO2 छोड़ते हैं जिसमें हीट निकलती है, लेकिन ये CO2 और हीट लेके, CO2 और हीट लेके हमें क्या देता है, O2। और पेड़ के नीचे बैठने पे ठंडक फील होती है या गर्माहट? ऑब्वियस सी बात है, ठंडक। रीजन, क्योंकि वो लोग लगातार क्या छोड़ रहे होते हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, इसलिए हमें वहां पे गर्माहट फील नहीं होती। अभी जैसे गर्मी का मौसम है, आप देख लो, चाहे तो आप ट्राई करके देख लेना, आप रोड पे थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए भी चल के देखो, धूप आपके ऊपर पड़ेगी, आपका शरीर हो जाएगा गर्म, आपकी बॉडी में से हीट निकलने लगेगी। लेकिन जैसे ही आप किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाएंगे, आपको ठंडक फील होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये जो O2 है, ये आपका सारा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे आपको क्या फील होना शुरू हो जाएगी, ठंडक फील होने शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ब्रीदिंग तो क्या होता है, ब्रीदिंग हमारा, ये ब्रीदिंग है, तो ब्रीदिंग तो है ऊष्मा क्षेपी, मतलब एक्सोथर्मिक, जबकि फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक। तो फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में भी आप लोग 5 लाइनें छोड़ दीजिएगा, 5 क्या 6 छोड़ दीजिएगा, ठीक है, 5 से 6 लाइनें छोड़ दीजिएगा, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के ये आखिरी दो टॉपिक, इस चैप्टर के ये आखिरी दो टॉपिक, उसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है रेंसिडिटी। बच्चों ये रेंसिडिटी क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है, ध्यान से सुनिए बच्चों। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जब कोई फूड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर खराब हो जाए और स्मेल करने लगे, बदबू करने लगे, उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं, हिंदी में विकृत गंधिता। देखो, विकृत मतलब खराब होना, गंधिता मतलब सड़न वाली बदबू, विकृत मतलब खराब होना, सड़ना, और गंधिता मतलब बदबू करना। मतलब जब कोई फूड, जब कोई खाना खराब होके, सड़ के, बदबू करने लग जाए, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो बच्चों आपको मैं असल में एक बात बता दूं, ये रेंसिडिटी जो होता है ना, ये असल में एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अच्छा, क्यों बोल रहे हैं ऑक्सीकरण, क्यों बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन? क्योंकि बच्चों मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे बात की कि जब कोई फूड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके खराब हो, तभी उसे रेंसिडिटी कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से वो चीज धीरे धीरे सड़ती है और खराब होके बदबू करने लग जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं,
अब होता क्या है, गर्मी का टाइम आया, ठीक है, गर्मी के टाइम पे आप भाई फूड को अगर बाहर रख देते हैं तो उसमें ऑयल होता है, उसमें क्या होता है, ऑयल होता है। अब वो क्या करता है, अगर वो ऑयल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए तो वो बार बार उसके साथ रिएक्शन करने की कोशिश करता है। कौन? ऑयल। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ऑयल है। अब भाई आपने खाना बनाया तो ऑक्सीजन तो होएगा, ऑब्वियस सी बात है। एटमोसफेयर में ऑक्सीजन ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। क्यों भागने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि जब हीट होगा तो भाई भागने की कोशिश तो करेगा ही, ठीक है। वो लगातार ऑयल के साथ रिएक्शन करने की कोशिश कर रहा है। अब रिएक्शन करते 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 एक समय ऐसा आया कि इसने रिएक्शन कर ली और वहां पे क्या कर दिया भाई, स्मेल पैदा करना शुरू कर दिया, मतलब रोटन होना शुरू हो गया, खराब होना शुरू हो गया, ठीक है। अब जब वो खाना खराब होना धीरे धीरे शुरू होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, बदबू करना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आपने देखा है दूध होते हैं गर्मी के दिनों में ज्यादा फटते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन लेवल भाई खूब होते, ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो हीट अप होके तेजी से निकल रहा होता है और क्या करता है वहां पे, उसके साथ लगातार रिएक्शन करता है। आप कहोगे सर दूध में तेल, दूध में ऑयल कहाँ से आया? तो बच्चों दूध में क्रीम वगैरह होता है, वो ऑयल का ही काम करता है, ठीक है। तो ऑयल के साथ उसने रिएक्शन किया, अब जैसे ही रिएक्शन किया तो भाई धीरे धीरे उसके साथ रिएक्शन करते 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 हम क्या क्या देखते हैं, दूध फट गया। तो दूध फटने का मतलब क्या है, वो यही है बच्चों, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। आप कभी फटे हुए दूध को सूंघ के देखना, आपको बदबू जरूर आएगी, जबकि आप दूध को सूंघो तो बदबू नहीं आएगी। लेकिन हाँ कुछ बच्चों को भाई दूध से नफरत होती है, उनको लगता है कि स्मेल होती है। बच्चों स्मेल नहीं, कैल्शियम लेवल होने की वजह से वो स्मेल करता है, और कोई बात नहीं है। दूध के अंदर कैल्शियम लेवल अच्छा होता है इसलिए वो लगता है स्मेल है, लेकिन वो स्मेल नहीं है, वो कैल्शियम की स्मेल होती है। और प्यारे बच्चों सभी बच्चों को सलाह दी जाएगी कि ऐसे महामारी के दौर में आप सभी बच्चे दूध पिए और प्लस नींबू पानी का भी सेवन करें, ठीक है। तो बच्चों पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ऑयल प्लस में O2 जो है ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, खाने को सड़ाना शुरू करेगा, और सड़ा कर उसमें क्या पैदा कर देगा, बदबू पैदा कर देगा। तो इसलिए बच्चों हम लोगों को खाने को, अपने फूड को बचाने के कुछ थोड़े बहुत तरीके हैं जिसको मैं यहां बताने जा रहा हूं। तो पहली बात तो रेंसिडिटी का मतलब समझ गए क्या, कि जब कोई फूड ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आके धीरे धीरे सड़ कर बदबू करने लगे तो उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तीन लाइनें छोड़ दीजिएगा, डेफिनेशन लिखवा दी जाएगी, ठीक है। अच्छा इसके बाद इसको रोकने के, इसको प्रिवेंट करने के चार पांच तरीके हैं, तो जैसे एक एक करके बात करते हैं। तरीका नंबर पहला, तरीका नंबर पहला क्या है, तरीका नंबर पहला कि भाई नाइट्रोजन गैस के कॉन्टेक्ट में आए, जैसे चिप्स के पैकेट आपने देखा होगा, चिप्स के पैकेट में हवा भरी होती है, तो वो असल में हवा पता क्या होती है, वो नाइट्रोजन गैस होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस ना ऑक्सीजन को जल्दी अपने से रिएक्शन नहीं करने देता, रिएक्शन करता है लेकिन अपने साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करने देता। इसीलिए आप देखना कि पैकेटों पे लिखा होता है बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 2 मंथ्स, 5 मंथ, 6 मंथ लिखा होता है ना, वो क्यों? क्योंकि उसमें इतनी नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है कि उतने दिनों तक ये संभाल लेगा, लेकिन उसके बाद ये रिएक्शन कर लेगा, समझ रहे हो। तो हम कैसे बचा सकते हैं, चिप्स के पैकेट में, ठीक है, वेफर्स के पैकेट में क्या डाल के, नाइट्रोजन गैस डाल के बचा सकते हैं। दूसरा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख के बचा सकते हैं। आप क्या करते हैं भाई गर्मी के टाइम पे जो भी फूड होता है उसे आपकी मम्मी कहती है बेटा फ्रिज में रख दे, नहीं तो खराब हो जाएगा। क्यों बोलती हैं? क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर कम हो जाता है और टेम्परेचर कम होने की वजह से खाना खराब होने से बच जाता है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा भाई हम बेकिंग सोडा वगैरह या BHT, एक केमिकल आता है BHT, ठीक है, एक केमिकल आता है BHT, ब्यूटिलेटेड, ऐसे नहीं है, एक मिनट, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोजन टॉलिन, ठीक है, क्या नाम है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोजन टॉलिन, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से पढ़ लो, हिंदी वालों के लिए भी सेम ही नाम है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोजन टॉलिन, ठीक है। तो बच्चों ये जो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोजन टॉलिन है ना, ये एक प्रकार का केमिकल होता है जो खाने को खराब होने से बचा लेता है, खाने को खराब होने से बचा लेता है। मतलब क्या कि अगर इसके कुछ ड्रॉप्स डाल दिए जाए तो खाने के खराब होने की अवधि बढ़ जाती है, मतलब अगर खाना 2-3 घंटे में, 5 घंटे में खराब हो सकता है तो इसको डालने की वजह से वो 2-4 घंटे और बढ़ जाएंगे, मतलब 7-8 घंटे में खराब होगा, ठीक है, मतलब जल्दी खराब इससे नहीं होता। तो बस यही है। या जैसे भाई दूध, अब दूध गर्मियों में तो फट जाता है,
लेकिन ये जितने भी चाय वाले होते हैं, कभी आपने सोचा ये तो इतना सारा दूध लेते हैं तो इनका दूध क्यों नहीं फटता? तो बच्चों एक तो रीजन होता है कि ये लगातार उसको पॉस्चराइड करते रहते हैं, ठीक है, बार बार उबालते रहते हैं। और साथ ही साथ एक तरीका और है, उसके अंदर बेकिंग सोडा मिला दो। क्या मिला दो? बेकिंग सोडा मिला दो, जिससे क्या होगा, वो दूध फटने से बच जाएगा, खराब होने से बच जाएगा। तो रेंसिडिटी के हमने कितने तरीके पढ़े बचाने के भाई? पहला भाई चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस, दूसरा फ्रिज में रख के, तीसरा BHT मिला के या बेकिंग पाउडर मिला के, ठीक है। चौथा, चौथा क्या तरीका है, आपकी मम्मी आपको जो लंच देती है वो होम फॉइल, याद है, एल्युमिनियम फॉइल में लपेट के देती है। तो इस तरीके से फॉइल्स में लपेट के भी हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको चार तरीके लिखवा दिए, ठीक है, कि आप अपने खाने को रेंसिडिटी होने से, विकृत गंधिता होने से कैसे बचा सकते हैं। पहला क्या बताया मैंने आपको, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाल के। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, फ्रिज में रख के। तीसरा क्या बताया मैंने आपको, बताओ जल्दी। तीसरा मैंने बताया आपको BHT या बेकिंग पाउडर डाल के। चौथा क्या बताया मैंने आपको, फोर्थ मैंने आपको बताया होम फॉइल वगैरह, जो एल्युमिनियम फॉइल होता है उसमें लपेट कर खाने को बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से बच्चों रेंसिडिटी हमारे लिए होती है। और इन चार पॉइंट्स के लिए आप लोग कितनी लाइनें छोड़ देंगे? सात लाइनें छोड़ देंगे। कितनी लाइनें छोड़ देंगे? सात लाइनें। तो मैं उसमें आपको प्रिवेंशन, यानी पहले रेंसिडिटी लिखेंगे, तीन लाइनें छोड़ेंगे, ठीक है। तीन लाइनें छोड़ने के बाद फिर दोबारा आप लोग एक लाइन छोड़ के सात आठ लाइनें छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर मैं इसको कल वाली क्लास में लिखवाऊंगा। अब आता है क्रोजन। अब क्या आता है? क्रोजन। तो ये लास्ट टॉपिक है आपका, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। क्रोजन क्या है बच्चों? क्रोजन क्या है? क्रोजन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है, क्रोजन एक ऐसा प्रोसेस है, संक्षारण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल, कोई भी मेटल, कोई भी धातु धीरे 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 ऑक्सीजन, ठीक है, मॉइस्चर, मॉइस्चर या ऑक्सीजन, मॉइस्चर या क्या भाई जल्दी बोलो, और क्या हो सकता है? केमिकल। हिंदी में अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यहां पे आप एयर बोल सकते हैं, ठीक है, एयर मतलब हवा, नमी या रसायन। अगर कोई मेटल, अगर कोई मेटल, कोई धातु हवा, नमी या रसायन, एयर, मॉइस्चर या केमिकल के कांटेक्ट में आके, धीरे धीरे खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसी को क्रोजन कहते हैं। मतलब खाने का खराब होना रेंसिडिटी, और मेटल का खराब होना क्या होता है? क्रोजन होता है, संक्षारण होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि उसमें हवा भी टकराती है, कोई मॉइस्चर भी टकराता है, कभी कभी कोई भाई केमिकल मान लो तेजाब वेजाब गिर गया, ठीक है। जैसे भाई वो हम लोग जो अगर बाथरूम साफ करने के लिए जो केमिकल यूज किए जाते हैं, अगर वो इसके ऊपर गिर गए तो आप क्या देखते हैं, धीरे 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 वो लोहा जो है ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाता है और कमजोर सा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जंग लगना। क्या कहते हैं हम लोग? जंग लगना। हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रस्टिंग। क्या कहते हैं? रस्टिंग, कि भाई हाँ इसमें रस्ट लग गया, जंग लग गया, इस तरीके से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि जब मेटल एयर, मॉइस्चर या केमिकल के कांटेक्ट में आके, केमिकल के कांटेक्ट में आके खराब हो जाए। तो बच्चों ये देखिए, तो मैंने क्या बताया कि क्रोजन क्या होता है, जब कोई मेटल एयर, मॉइस्चर या केमिकल के कांटेक्ट में आने से धीरे धीरे खराब हो जाए, रस्ट लग जाए, जंग लग जाए, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया, लोहे का जंग लगना, ठीक है, ब्राउन कलर का हो जाता है, फिर कमजोर सा हो जाता है, तोड़ते टूट जाता है, ठीक है। वैसे अगर आपको मैं लोहा ला के दे दूं कहूंगा तोड़ो, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर जंग लग जाएगा मैं कहूंगा तोड़ो, बड़े आराम से तोड़ दोगे आप। क्यों? क्योंकि बच्चों वो क्या हो गया, वो खराब हो गया, वो क्रोजन हो गया, संक्षारण हो गया। तो इसी प्रोसेस को संक्षारण कहा जाता है, जब कोई मेटल एयर, मॉइस्चर, केमिकल, है ना, हिंदी में हवा, हवा, नमी और रसायन के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है। इसके ऊपर एक रिएक्शन भी है, वो रिएक्शन भी लिख के दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है तो वो भी देख लो आप, ठीक है। इसका रिएक्शन है, हाँ जी, तो इसका रिएक्शन है, जैसे आपके पास मैं बता देता हूं, मैं जैसे लोहा है, ठीक है, लोहे पे ऑक्सीजन लगा, हवा लगी,
साथ ही साथ वाटर भी लग गया, साथ ही साथ क्या लग गया, वाटर भी लग गया। तो वाटर लगने की वजह से ये अब क्या होगा, वाटर और ऑक्सीजन लगने की वजह से क्या होगा, खराब होगा। और जब ये खराब होगा तो बनेगा Fe2O3.H2O, क्या बनेगा, .H2O। और बच्चों इसको तो बताइए क्या कहेंगे, आयरन, इसको ऑक्सीजन, इसको क्या कहेंगे, बोलो वाटर, और इसको कहेंगे ये फेरिक ऑक्साइड, और H2O का बनाएंगे हाइड्रेट, क्या बनाएंगे हाइड्रेट, क्योंकि जब हाइड्रो जब वाटर किसी के साथ जुड़ जाता है ना तो वो हाइड्रेट बन जाता है, अकेला है तो वाटर है और किसी के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, हाइड्रेट। हिंदी इंग्लिश सब में नाम सेम है। तो बच्चों क्रोजन के बारे में क्या करेंगे भाई, तीन लाइनें छोड़ देंगे और ये उतार लेंगे, और उसके बाद फिर तीन से चार लाइनें और छोड़ना, फिर छोड़ोगे क्या, फिर तो बचे जाएगा, ठीक है, तीन से चार लाइनें और छोड़ देना जिसमें हम बताएंगे कि क्रोजन से कैसे बचा जा सकता है। तो कैसे बच सकते हैं जल्दी बताओ, पहला पेंट करके, सही बात है, लोहे के जो दरवाजे होते हैं उनको पेंट कर देते हैं तो क्रोजन से बच जाता है, पहला पेंट करके, ठीक है। दूसरा ऑयलिंग और ग्रीसिंग से, अब देखते होगे आप बाइक्स में साइकिल्स में चेन लगी होती है, तो जब भी आप बाइक की सर्विस करवाने जाते हैं तो आप देखते हो कि चेन के अंदर वो क्या कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, पिस्टल सा होता है उनके पास और उससे ऑयलिंग कर देते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ताकि चेन जो है उसमें पानी वानी जाए तो उसमें जंग ना लगे, तो ऑयलिंग करने से वो बच जाता है। अच्छा, पेंट करने से, ऑयलिंग करने से, और कैसे बचा सकते हैं जल्दी बताओ, एक मेथड होता है वो थर्ड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बता देता हूं मैं, उस मेथड का नाम होता है गैल्वनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं इसे यसद लेपन, क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं यसद लेपन। बच्चों ये यसद लेपन जानते हो क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जो लोहा होता है ना, लोहा, जैसे ये लोहा है, ठीक है, इस लोहे पे ना जिंक या तो टिन को पिघला कर उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं, किसकी लेयर चढ़ा देते हैं, या तो जिंक की या तो टिन की, टिन का सिंबल होता है SN, ठीक है, या तो जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं या तो टिन की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे वो खराब होने से बच जाता है, ठीक है। तो करते क्या है, जिंक लेते हैं, उसको पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, और फिर उसके ऊपर धीरे 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 उसकी लेयर चढ़ा देते हैं ताकि लोहा खराब होने से बच जाए, समझ में आई बात। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इसको बचाते हैं। तो फिर से बता देता हूं क्रोजन से कैसे बचते हैं, पहला पेंट करके, दूसरा ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके, और तीसरा क्या करके, गैल्वनाइजेशन, ये सद लेपन, मतलब जिंक या टिन की लेयर चढ़ा के, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर होता है फिनिश यहीं पे। अब रह गया लिखवाने का प्रोसेस। तो बच्चों मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, कितने कितने लाइनें छोड़नी है, नेक्स्ट क्लास में आके मैं सिर्फ लिखवाऊंगा, तो सभी बच्चे कॉपी पेन वगैरह लेके रेडी रहेंगे और लिखवाना शुरू किया जाएगा, और 15 से 20 मिनट के अंदर लिखवा के एक नए चैप्टर को भी हम शुरू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।